30 अक्टूबर 2019 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ है उसमें सबसे पहले ये न्यूज़ डॉन ने पब्लिश की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेट्स असाइड अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, ये डॉक्टर अल्ताफ सेन को वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया था, उसके अगेंस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इकबाल ने पटिशन दायर की थी मार्च 26 को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उनको खारिज कर दिया था, मगर जो अपील थी इंट्रा कोर्ट अपील है उस पे डिसीजन दिया कि जो अपॉइंटमेंट थी सैयद अल्ताफ सेन की वो एज पर एडवर्टाइज क्राइटेरिया नहीं थी। उसके बाद ये डॉक्टर अताउर रहमान का आर्टिकल दी न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, लर्निंग फ्राम चाइना। बैकग्राउंड इसका ये कि चाइना ने जो डॉक्टर अताउर रहमान के नाम पे एकेडमिशन प्रोफेसर अताउर रहमान वन बेल्ट वन रोड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन रिसर्च सेंटर कायम किया है, जो 6 मंजिला एक पूरा रिसर्च सेंटर है और पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिसकी नाम पे वो सेंटर कायम किया गया। तो डॉक्टर साहब ने जो चाइना की अचीवमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो लेके आया अपनी इकोनॉमी में, उस हवाले से 78 से लेकर अब तक के डिफरेंट जो एक्शंस हैं जो पॉलिसीज उन्होंने अपनाई हुई थी नेशनल लेवल पे उनका जिक्र करते हुए आखिर में ये जोर दिया कि हम मतलब एज पाकिस्तान हमें और ज़्यादा पीएचडीज चाहिए, कोई हमें 1 लाख पीएचडीज का टारगेट रखना चाहिए और 60,000 पीएचडी इमीडिएटली चाहिए, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिवर्सिटीज में आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके हमारे लिए साइंस और इनोवेशन की जो लोकल नीड्स हैं या जो इंटरनेशनल डिमांड है उसके मुताबिक वो एक तरह से काम करें। उसके बाद ये हमदर्द यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फार्मेसी ने जो है 3-डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसर्च परस्पेक्टिव इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज ट्रांसफॉर्मिंग न्यू पैराडिम्स इन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेज, इसके हवाले से ये जो पॉस्टिक और इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जिसको HCJ भी कहा जाता है उसके तावन से किया। इसमें बाहर से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हॉलैंड, ईरान, स्वीडन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, नाइजीरिया वगैरह। देन ये प्राइम मिनिस्टर अर्जेस इंट्रोड्यूसिंग टीचिंग्स ऑफ सूफी सेंट्स, ये उन्होंने बात इस्लामिक हिस्ट्री के जो प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की उनसे मुलाकात में कहा। पाकिस्तान में एक सूफी यूनिवर्सिटी भी है जो भिटशाह में कायम है और उसकी जो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सूफी सेंट्स की टीचिंग्स हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएं बताई जाएं ताकि जो टॉलरेंस और इनलाइटेड एक वर्जन है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। देन ये ऑब्जर्वर पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने पब्लिश किया कि SOPs फॉर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। डॉक्टर यासमीन राशिद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की उन्होंने जो है जो SOPs हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और TORs वो अप्रूव किए। ये द नेशन ने जो है आर्टिकल पब्लिश किया है स्टूडेंट यूनियन के हवाले से के थ्रू स्टूडेंट यूनिट एक तरह से स्टूडेंट्स को मौका मिलता था कि वो अपनी पॉलिटिकल अपनी जो एक अपनी एकेडमिक और जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, पीयर लर्निंग होती है, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, इस हवाले से ये आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया। देन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अर्ज टू इम्प्रूव मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वैसे भी हर एस्पेक्ट के में बहुत ज़रूरी होती है, ओनरशिप अगर कम्युनिटी किसी चीज़ की ले ले तो वो आगे सस्टेन करती है और वो आगे चलती भी है। ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट में शेयर करना चाहता कि डिफरेंट इनके प्रोग्राम्स हैं जो ग्रांट्स हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स हैं R&D सपोर्ट है, ये डिफरेंट उनके हेड्स हैं जो फैकल्टी मेंबर या स्कॉलर इनको अवेल करना चाहें उसके लिए इस वेबसाइट को विजिट करें और इसमें जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस हैं वो भी प्रोवाइडेड हैं, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो भी
اس میں شیئر کیے ہوئے ہیں.